रियासीमां तीर्थयात्रिको भरेली बस पर फायरिंग थयुं। फायरिंग बाद बेकाबू बस खाड़ीमां पड़ता 9 लोकोना मौत थया छे। आ दुर्घटनामां 33 लोकोने इजा पहोंची छे, जेओने होस्पिटल खसेड़वामां आव्या हता। आतंकवादीओ वैष्णोदेवी दर्शन मारे जता यात्रिकोनी बसने निशान बनावी हती। मुसाफरोथी भरेली बस शिवखोड़ीथी कटरा परत फरी रही हती। बसमां 45 मुसाफरो सवार हता। पौनी अने शिवखोड़ी वच्चे कांडात्राथ विस्तारमां चांडी मोड़ पासे पहलेथी ज घुसी आवेला आतंकवादीओए बसनी सामे आवीने गोळीबारी करी। अचानक थयेला फायरिंगना कारणे ड्राइवर काबू गुमाव्यो अने बस लगभग 200 फूट ऊंडी खाईमां पड़ी। हम इस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां बीती कल शाम को आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था। श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। ये वही स्पॉट है जहां पर पहली गोली जो थी वो उस चालक को लगाई गई थी जो चालक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को चला रहा था। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी जो है वो सेना के जवान जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के जो है वो अब कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देंगे। ये जो गाड़ियाँ आप बख्तरबंद गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो है वो इन गाड़ियों में जो है वो सुरक्षा बल इस समय जो है वो लैस हैं और अब जो है वो पहाड़ों की तरफ जो है वो रुक करना शुरू कर देंगे। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको नेटवर्क 18 की तरफ से दिखाई जा रही हैं और ये घना जंगल जो है वो खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो ऊपरी इलाका है ये बिल्कुल जो है वो घना जंगल है और अगर मेरे नीचे वाली की तरफ की अगर बात करें वो भी जो है वो घना जंगल है। ये सुरक्षा जो कर्मी हैं भारतीय सेना के जवान जो हैं वो अब लगातार जो है वो पूरे इलाके को खंगालेंगे। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं और ये सुरक्षा बल जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के अब जो है वो छानबीन पूरे जंगल की करेंगे कि आखिरकार आतंकी जो है वो वारदात को अंजाम दे करके कैसे जो है वो निकले। लेकिन मैं स्पॉट की कुछ तस्वीरें कुछ झलकियाँ दिखाना चाहता हूँ। कहाँ पर पहली गोली लगी थी, कितने दूर जाकर के बस चालक ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की थी कि बस को जो है वो सुरक्षित सही ठिकाने तक लगाया जाए, लेकिन हालत जो थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी चालक की, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियाँ जो थी वो चलाई गई थी। ये वो तस्वीरें हैं जो जहाँ पर पहली गोली जो थी वो आतंकी की तरफ से जो है वो उस चालक के ऊपर लगाई गई थी। ये कांच आप बिखरे हुए देख रहे हैं और इसके कुछ मीटर कुछ कदम आगे तक जो है वो चालक अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता है कि गाड़ी को जो है वो सही ठिकाने लगाया जाए। ये वही मोड़ है जहाँ पर आतंकियों की तरफ से कल हमला किया गया था, जिसके बाद जो है कुछ मीटर आगे जाने के बाद जाकर के बस जो है वो सीधी गहरी खाई में जो है वो लुढ़क जाती है, क्योंकि चालक का बिल्कुल भी नियंत्रण अपने वाहन पर नहीं रहता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिवली और ये यहाँ तक यानी कि कुछ मीटर तक जो है वो चालक जरूर अपने वाहन को सुरक्षित श्रद्धालुओं को सुरक्षित जो है वो पहुँचाने की कोशिश करता है। चालक और सहचालक को टारगेट बनाया गया था और दोनों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और अब कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो भी घायल हैं। 33 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं और मृतक की जो पहचान है वो फिलहाल बाहरी राज्यों से ही बिलोंग करते हैं। 9 यात्रियों की मौत हुई है इस घटना में और 33 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो गंभीर अवस्था में हैं और अभी तक की अगर जानकारी की बात करें तो सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही दो मोड़ अगर आगे की अगर बात करें तो राजौरी जिला जो है वो शुरू हो जाता है। राजौरी जिले की सरहद जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक है और इस स्पॉट को जो है वो झंडी मोड़ जो है वो कहा जाता है और ये कंडा इलाका है जहाँ पर कल इस घटना को आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। ये वही मोड़ है जिस मोड़ पर कल आतंकियों की तरफ से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों से जो है वो लैस होकर के अब लगातार जो है वो जंगलों की तरफ रवाना हो रहे हैं और ये बियाबान जंगल जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को पनाह दिए हुए हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को जो है वो अपनी गिरफ्त में भी लिया है। पूछताछ जरूर की जा रही है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। नवसारी जिल्लाना वातावरणमां आव्यो पलटो, गाजवीज साथे धीमीधारे शुरू थयो वरसाद। शहेरना ज जुदा विस्तारोमां वरसाद वरस्यो, असह्य बफाराथी लोकोने मळी राहत। तापी जिल्लामां वरसादनी धमाकेदार एंट्री, व्यारा सहितना अनेक विस्तारोमां गाजवीज साथे वरस्यो वरसाद। वरसादना कारणे समग्र वातावरणमां ठंडक प्रसरी, खेडूतोमां वरसादना कारणे खुशीनो माहोल छवायो।
वलसाड जिलाना वातावरण में पलटो, कपराड़ा और धरमपुर तालुका सहित महाराष्ट्र और गुजरात ने बॉर्डर पर विस्तारों में वरसाद। असलोना, पीपल्स, वडोली और मालघर सहित गामों में पड़ो वरसाद। अमरेली बाबरा में बे कलाक में पौना त्रण इंच वरसाद। त्रबोड़ा गाम की स्थानिक नदी में आयु घोड़ापुर। सुखनाथ मंदिर पास स्थानिक वोकड़ा पानीना प्रवाह में बोलेरो गाड़ी तणाय। मामलेदार पुलिस और फायर विभाग सहित टीम घटनास्थल पर पहुंची। फायर विभाग की टीम ने बोलेरो गाड़ी पानी में बाहर काढ़ी। बोलेरो गाड़ी में 3 से 4 व्यक्ति होवानु अनुमान। लापता व्यक्तियों की शोधखोल शुरू कराई। सूरत बारडोली, मांडवी, मांगरोड़ और महुआ पंथक में वरसादी माहौल छवायो। बारडोली कोज पारड़ी, राहत पारड़ी सहित मांगरोड़ तालुका वांकल, लवेट, पानेश्वर सहित विस्तारों में वरसाद वरस्यो। कापणी करेल तैयार पाक खेतर में पड़ो होवाथी खेडूतों ने चिंता वधी। आ तरफ कर्नाटक हुबली में मेघो वरस्यो। हुबली सहित आसपास विस्तारों में भारे वरसाद। धोधमार वरसाद कारण रस्ता पाणपाणी। तमिलनाडु अनेक विस्तारों में मेघराजाए करी पधरावणी। पश्चिमी घाटना अनेक जिल्लाओं में वरसाद। तिरुनेलवेली अनेक विस्तारों में वरसाद। वरसाद कारण वातावरण मनमोहक बन्यु। नदियों में नवा नीर आवता लोकों में खुशी। महाराष्ट्र में चौमासा श्री गणेश की साथ ज मेघराजाए धबधबाटी बोलावी। मुंबई अनेक विस्तारों में भारे वरसाद वरस्यो। अनेक विस्तारों में वरसाद कारण रस्ता पाणीपाणी थया। मुंबई में धोधमार वरसाद पड़ो। जाहिर रस्ता पर 2-2 फूट पानी भराया। रस्ता पर पानी भराता वाहन चालकों ने हालाकी। अनेक वाहनों फसाया। लोगों घर में दुकानों में घुसी गया पानी। चौमा की शुरुआत में मुंबई में मेघराजा की तोफानी बैटिंग। धोधमार वरसाद की साथ मुंबई में जलबंबाकार की स्थिति। भारे वरसाद कारण अनेक विस्तारों में गौठण सवा पानी भराया। मुंबई में वरसाद की वधी समस्या। चौमा की शुरुआत में वरसादे ज खोली तंत्र की पोल। भारे वरसाद कारण रस्ता पाणीपाणी थया। रस्ता पर पाणी भराता वधी वाहन चालकों की समस्या। अमरेली जिला में सतत बीजा दिवसे वरसादी माहौल यथावत। लाठी शहर में असह्य गर्मी बाद वरसाद आगमन। लाठी शहर में धोधमार वरसाद की रस्ताओ पर वरसादी पाणी वहता थया। अमरेली बाबरा शहर और ग्राम्य विस्तारों में वरसाद। बाबरा पंथक चरखा, नीलवड़ा, ताईवदर, करियाणा, दरेड़ सहित गामडाओं में वरसाद खाबक्यो। धोधमार वरसाद पड़ता खेतरो और रस्ताओ पर वरसादी पाणी वहता थया। अमरेली धारी पंथक में मेघराजा की बैटिंग। दलखाणिया, जड़जीवड़ी, पाणिया और कोटड़ा सहित गामों में जाम्यो वरसादी माहौल। धोधमार वरसाद थता वातावरण में ठंडा प्रसरी। अमरेली में सतत बीजा दिवसे वरसादी माहौल। असह्य गर्मी बाद भारे पवन साथ वरस्यो वरसाद। घोबा, पीपाद, पीपरड़ी सहित ग्राम्य विस्तारों में भारे पवन साथ मेघराजा की एंट्री। सूरत उमरपाड़ा में वरसादी माहौल। उमरपाड़ा, वड़पाड़ा सहित अनेक विस्तारों में वरसाद वरस्यो। रस्ता पर वहता थया पाणी। उनाळु पाक ने लईने खेडूतों ने नुकसान थवानी भीति। छोटाउदेपुर नसवाड़ी में गाजवीज साथ वरसाद वरस्यो। धोधमार वरसाद पड़ता असह्य गर्मी की राहत। गाजवीज साथ वरसाद वरसता लोगों गर्मी की राहत मेळवी। प्री मॉन्सून पहला वरसाद ने नसवाड़ी तालुका में लोगों आवकार्यो। गीर सोमनाथ, खांभा, गिरना गामडाओं में करा और पवन की साथ खाबक्यो धोधमार वरसाद। डेडाण, हनुमानपुर, तालड़ा, दरड़ी, जामका, पीपड़िया सहित गामों में पवन साथ वरसाद वरस्यो। गीर में मेघराजा की पधरामणी थी खेडूतों में खुशी। पवन की साथ वरसाद पड़ता वातावरण में ठंडक प्रसरी। दाहोद गरबाड़ा विस्तार में वरसद आगमन। पवन सुसवाटा साथ धोधमार वरसाद वरस्यो। अचानक वरसाद असह्य गर्मी से लोगों ने राहत मिली। भावनगर जिला में भारे पवन साथ मेघराजा आगमन। सीहोर, सोनगढ़ सहित विस्तारों में मिनी वावाझोड़ा साथ भारे पवन फूंकायो। भारे पवन की साथ आसपास विस्तारों में धूल की डमरी उड़ी। महिसागर जिला वातावरण में पलटो आयो। भारे बफारा बाद बालासिनोर में धोधमार वरसाद वरस्यो। वादळछाया वातावरण वच्चे वरसाद पड़ता खेडूतों में खुशी। अमरेली जिल्लाना वातावरण में पलटो। खांभा शहर और ग्राम्य विस्तारों में जाम्यो वरसादी माहौल। खांभा, बोराला, खड़ाधरा, धावड़िया सहित विस्तारों में भारे पवन की साथ धोधमार वरसाद।
બોટાદમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ, ભારે પવનની સાથે પડ્યો ધોધમાર વરસાદ, પાળિયાદ રોડ ટાવર ઉપર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડતા ઠંડક. બોટાદમાં જોરદાર પવનના કારણે બે હોર્ડિંગ થયા ધરાશાયી. જ્યોતિગ્રામ સર્કલ પાસે મૂકેલા હોર્ડિંગ પડ્યા, વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો, સદનસીબે દુર્ઘટના ટળી. દાહોદ શહેરમાં પણ વરસાદનું આગમન, અસહ્ય ગરમી બાદ આવ્યું વરસાદી ઝાપટું, વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. છોટાઉદેપુરમાં પહેલા વરસાદમાં જ ઓરસંગ નદી બે કાંઠે થઈ, જીવાદોરી ગણાતી ઓરસંગ નદીમાં નવા નીરની આવક થઈ. મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદથી સતત પાણીની આવક. ભાવનગરમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ બાદ તારાજી, ઉમરાળા સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન બાદ નુકસાન. જોરદાર પવન ફૂંકાતા અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી. ઉમરાળા ગામના કેન્દ્રવતી શાળાના પતરા ઉડ્યા. છોટાઉદેપુરના સંખેડામાં ભારે પવનની સાથે પડ્યો ધોધમાર વરસાદ. ઓરવાડા ગામ નજીક હાઈવે ઉપર વૃક્ષો ધરાશાયી થતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો. જેસીબીની મદદથી વૃક્ષો હટાવી વાહન વ્યવહાર શરૂ કરાયો. ભરૂચમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ, અતિશય ગરમી વચ્ચે અચાનક વરસાદ વરસ્યો. વરસાદના પગલે જનજીવન પ્રભાવિત થયું. વરસાદી માહોલ સર્જાતા ગરમીથી મળી આંશિક રાહત. વડોદરાના શિનોરમાં ગાજવીજ અને ભારે પવનની સાથે વરસાદનું આગમન. મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. રોડ રસ્તા થયા પાણી. સાધલી સહિતના ગામોમાં વીજ પુરવઠો ઠપ.